समरूपी भिन्नार्थक शब्द। बच्चों, अब तक आपने कई प्रकार के शब्दों का अध्ययन किया। अब आपको ऐसे शब्द बताते हैं जो सुनने में तो समान लगते हैं, लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता होती है। यह एक हंस है, बालिका हंस रही है। यह सुंदर बाघ है, बाघ से डर लगता है। आप देख सकते हैं, हंस एक पक्षी है और हंस एक मानवीय क्रिया है। बाघ एक बगीचा है और बाघ एक जंगली जानवर है। दोनों के अर्थों में बहुत अंतर है। वे शब्द जो सुनने में तो समान लगते हैं, लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता होती है, समरूपी भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। कुछ ऐसे ही शब्द इस प्रकार हैं: शब्द अर्थ, आदि आरंभ, आदि आदत होना, और तरफ, और अन्य, में अंदर भीतर, मैं स्वयं, पत्ता पेड़ पौधे के पत्ते, पता रहने के स्थान की पहचान, ग्रह नक्षत्र, गृह घर, शोक दुख, शौक रुचि, सुत बेटा, सूत धागा, मूल जड़, मूल्य कीमत, जरा बुढ़ापा, जरा थोड़ा सा, श्याम सांवला, शाम संध्या, कढ़ाई सख्ती, कढ़ाई सूखे धागे से कपड़े पर फूल आदि बनाना। आओ दोहराएं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो समान प्रतीत होते हैं, किंतु उनके अर्थ में भेद होता है। हमें वाक्य में सटीक शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए।